In a dazzling triumph, MS Creative Schools Ibadur Rahman secures the silver medal at the 67th National School Games Netball Under-14 Championship. Meanwhile, Mohammad Shahnawaz showcases remarkable skills representing Telangana in the Under-17 category. Be part of our winning legacy. Please click the link given in description for more details. हुकूमत तेलंगाना और तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से आइमा व मौजनीन के 2 माह के एजाजिया की चाई के लिए 14,79,35,000 रुपये जारी किए गए हैं। कांग्रेस हुकूमत के क़याम के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च का एजाजिया जारी किया गया था, अप्रैल और मई के एजाजिया की इजराई नहीं हुई थी। आज यानी 15 जून को अप्रैल और मई के एजाजिए की इजराई की गई है। सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने बताया कि ईद उल अजहा के मौके पर वक्फ बोर्ड की नुमाइंदगी पर वजीर आला रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वजीर खजाना भट्टी विक्रमार्का मलो ने फौरन रकम की इजराई को यकीनी बनाया। अप्रैल में 14,705 आइमा व मौजनीन के लिए 7,35,25,000 रुपये और मई के महीने में 14,882 आइमा व मौजनीन के लिए 7,44,10,000 रुपये जारी किए गए हैं। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने रकूमात की मुंतकली के लिए हुकूमत तेलंगाना से इजहार तशक्कुर किया और मुसलमान भाइयों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हुकूमत तेलंगाना और तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से आयमा मौजन को जो महाना उनको वजीफा दिया जाता है, वो पिछली बार हुकूमत बनने के बाद मैं खुद मार्च के महीने में, जनवरी, फरवरी, मार्च महीने का 3 महीने का हम रिलीज़ किए थे। उसके बाद अप्रैल और मई के महीने का आज यानी 15 जून 2024 को हमने अप्रैल और मई के महीने का हम आज अल्हम्दुलिल्लाह तो हुकूमत की जानिब से हमारी नुमाइंदगी पे फौरन उसके ऊपर, क्योंकि ईद उल अजहा का मौका है, जिस तरीके रमज़ान से पहले हमने किया है उसी तरीके से हुकूमत इस चीज़ को ख्याल रख के हमारे वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब, वज़ीर फाइनेंस जनाब भट्टी विक्रमार्का साहब ने इमीडिएट इसके ऊपर इकदाम करते हुए हमारी पहल को उन्होंने एक तरजीह देते हुए उसको इमीडिएट रिलीज़ करने का काम किए हैं। जैसा अप्रैल के महीने में 14,705 आयमा मौजन को 7,35,25,000 रुपये और मई के महीने में 14,882 जिसका रकम 7,44,10,000 जुमला 14,79,35,000 आज आयमा मौजन के अकाउंट में तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से डाला गया है। इसके लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं और आप तमाम लोगों को हबल ईद के बहुत बहुत ईद उल अजहा की मुबारकबाद देता हूं और आपको इसी तरीके से अल्लाह ताला बरसों बरस ऐसे ईद उल फितर और ईद उल अजहा की खुशियां नसीब करें, क्योंकि क़ुरबानी की ईद है। इस जो क़ुरबानी हमारी सुन्नत है, उसको इस सुन्नत का जो मकसद है उसको अपने अमली ज़िंदगी में हम सबको लाने के अल्लाह हमको तौफीक दें। और मैं ख़ास तौर पर जो हज का मौका है, हज का सीज़न है, लोग हज को आयमा हमारे आज़मीन हज यहाँ से भी रवाना हो चुके हैं सारी दुनिया से और ख़ास तौर पर तेलंगाना से, उन तमाम लोगों के अल्लाह ताला हज के सफ़र को, हज को कबूल करें, उनके दुआओं को कबूल करें। और उसके साथ साथ मैं आज़मीन हज जो यहाँ से गए हुए हैं उनसे भी और ईद के मौके पर उम्मत मुसलमान से मैं गुजारिश करता हूँ कि रियासत की खुशहाली के लिए, इस मुल्क की खुशहाली के लिए आप लोग ख़ास तौर पर दुआ कीजिए और हम सब की हिफाजत के लिए, हम सब को सिरात मुस्तकीम पे चलाने के लिए, हम सब के लिए ख़ास तौर पे दुआ कीजिए। और बहुत बहुत आपको फिर एक बार ईद उल अजहा के मुबारकबाद। और मैं हुकूमत तेलंगाना की, मैं और एक वक्फ बोर्ड की जानिब से
और मेरी बहसियत चेयरमैन मेरी जानिब से आप तमाम लोगों की जानिब से भी मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ जो ईद से पहले आयमा मौजन का ख्याल करते हुए ये पैसों की इजराई आई है। बहुत बहुत शुक्रिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।